फ्रेंड्स, यह एक ऐसे ब्लैक अमेरिकन की सच्ची कहानी है जो सफाई का काम करता है पर वह डॉक्टर बनना चाहता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत करने से पहले अगर आप अभी भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल को 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिल्मी बेस्ट प्रेजेंटिंग समथिंग द लॉर्ड मेड। फ्रेंड्स, इस कहानी की शुरुआत होती है नैशविल से। साल होता है 1930 का। यह वक्त है जब काले और गोरों का भेदभाव है, काले लोगों को बराबरी के अधिकार नहीं दिए जाते। यहीं पर हमें विवियन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत परेशान है, क्योंकि आज बिना गलती के उसे काम से निकाल दिया गया है। इसीलिए ये अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे एक डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर उसे नौकरी पर रख लेता है पर उसे यहाँ उनके लैब में सफाई का काम करना है। विवियन को हमेशा से पढ़ने का शौक था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन उसका यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। इसीलिए यहाँ पर सफाई करने के बाद जब भी उसे वक्त मिलता है तो वो मेडिकल की किताबें पढ़ता है। डॉक्टर विवियन को पढ़ते हुए देखता है लेकिन उसे मना नहीं करता, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में काले लोगों के लिए कोई भेदभाव नहीं है। और एक दिन डॉक्टर उसके पास आता है और उसे एक सफेद रंग का डॉक्टर का ब्लेजर देता है, जिसे पाकर विवियन बहुत खुश हो जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, विवियन मेडिकल की बहुत सारी जानकारी हासिल कर लेता है और एक दिन डॉक्टर कहता है, क्यों ना तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ। और इसके बाद विवियन को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और अब विवियन उनका असिस्टेंट बन चुका है। लेकिन विवियन का सपना है कि वो मेडिकल की असली डिग्री हासिल करके असली डॉक्टर बने, जिसके लिए वो पैसे भी जमा करता है। विवियन की अब शादी भी हो चुकी है, वह अपनी जिंदगी में खुश है। लेकिन एक दिन अमेरिका में स्टॉक मार्केट पूरी तरह से गिर जाता है, जिससे बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े बैंक्स पूरी तरह से ठप हो जाते हैं। विवियन ने जिस बैंक में मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले 7 सालों से पैसे जमा किए थे, वह बैंक भी अब बैंकरप्ट हो गया है, यानी कि अब उसे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है और साल आता है 1943 का। अमेरिका भी अब वर्ल्ड वॉर 2 में शामिल हो चुका है, इसीलिए अमेरिका के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनमें से अधिकतर डॉक्टर्स सोल्जर के ट्रीटमेंट के लिए वॉर साइट पर चले जाते हैं। अब जिनके पास विवियन काम करता है उन्हें एक बड़े हॉस्पिटल में जॉब ऑफर होती है, जिसे वह एक्सेप्ट कर लेते हैं। डॉक्टर की मुलाकात एक बहुत अमीर कपल से होती है जिनके बेटे को बहुत ही खतरनाक बीमारी है, जिस बीमारी का नाम ब्लू बेबी सिंड्रोम है। यह बीमारी पैदाइशी होती है। इसमें इंसान का हार्ट अच्छे से काम नहीं करता और अगर उसे लंबे वक्त तक जिंदा रखना है तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। और आज तक किसी भी इंसान का हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं किया गया, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए हार्ट निकालना होगा और 3 मिनट के अंदर अगर हार्ट को दोबारा से फिट नहीं किया गया तो पेशेंट की मृत्यु हो जाएगी। इसी जगह हम विवियन को देखते हैं जो वेटर का काम कर रहा होता है। दरअसल विवियन अब भी डॉक्टर के साथ काम करता है और पार्ट टाइम पैसे कमाने के लिए वह छोटे मोटे काम भी करता है। डॉक्टर अब चाहता है कि वह इस बीमारी का इलाज करे, यानी कि वह सर्जरी करके हार्ट ट्रांसप्लांट करे। विवियन भी उनके साथ काम करता है। एक दिन डॉक्टर को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में, जिसका नाम जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल है, वहां बुलाया जाता है। विवियन भी उनके साथ जाता है, लेकिन विवियन को फ्रंट गेट से एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वह एक ब्लैक है। उससे कहा जाता है कि वह पीछे के गेट से आए। हालांकि डॉक्टर उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि वह उन्हीं के साथ काम करता है, लेकिन उनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। विवियन को मजबूरी में पीछे के गेट से आना पड़ता है और अब डॉक्टर और विवियन दोनों इसी हॉस्पिटल में काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्टाफ जब भी विवियन को व्हाइट ब्लेजर में देखता है तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह डॉक्टर्स का ब्लेजर है और आज तक कोई ब्लैक अमेरिकन यहाँ पर व्हाइट ब्लेजर पहनकर नहीं आया। ब्लैक लोग यहाँ पर छोटे मोटे काम करते हैं। विवियन की जिंदगी इतनी आसान नहीं है, उसके पास पैसों की बहुत तंगी है, इसीलिए रात को वह अब भी छोटे मोटे काम करता है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर एक दूसरी फीमेल डॉक्टर से मिलता है जो कि हार्ट रिसर्चर है और यह भी उसी बीमारी पे, यानी कि बेबी ब्लू पर काम कर रही है। यह एक पेरेंट से मिलते हैं जिनके बच्चे को कोई बीमारी है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सबसे पहले हमें इस बीमारी को डॉग के अंदर पैदा करना होगा, जो कि सबसे मुश्किल काम है क्योंकि यह बीमारी पैदाइशी है, इसे पैदा नहीं किया जा सकता। विवियन डॉक्टर का साथ देता है। दरअसल इस वक्त डॉक्टर्स की बहुत ज्यादा कमी है। डॉक्टर और विवियन दिन रात इस पर काम करते हैं। विवियन को भी अब बहुत ज्यादा नॉलेज हो चुकी है। वह डॉक्टर का साथ देता है, वह हर काम डॉक्टर की निगरानी में करता है। उसकी पत्नी उसे कहती है कि तुम्हें अब कुछ ऐसा करना होगा ताकि पूरी दुनिया देखती रह जाए, तुम्हें कई साल हो चुके हैं, साथ ही मेडिकल फील्ड की तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज है। यह कई सारे डॉग्स के अंदर उस बीमारी को इजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन्हें सफलता नहीं मिलती। विवियन दिन रात एक कर देता है, साथ ही वह बहुत सारे ऐसे टूल्स भी बनाता है जिससे ऑपरेशन करने में मदद मिल सके। वो अलग अलग तरीके से सोचता है कि किस तरह से हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जाए, किस तरह से डॉग के अंदर इस बीमारी को इजाद किया
किया जाए। अब एक दिन विवियन जब कैंटीन में जाता है तो वो ध्यान से देखता है कि उसके चारों तरफ सिर्फ ब्लैक लोग ही हैं, यानी कि कोई भी व्हाइट इंसान यहाँ पर नहीं है। जब वो इस बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है कि यह वाला खाने का सेक्शन सिर्फ सी ग्रेड के एम्प्लॉयज के लिए है, जबकि वो ए ग्रेड का एम्प्लॉय है, वो लैब असिस्टेंट है। विवियन रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो सैलरी उसे मिल रही है वह अभी भी सी ग्रेड के एम्प्लॉयज के बराबर है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। ऐसा उसके साथ सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि वो एक ब्लैक आदमी है। इस बात से विवियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वह डॉक्टर के पास जाता है और कहता है, मैं हमेशा के लिए इस जॉब को छोड़कर जा रहा हूँ। वह अपने ब्लेजर को उतार देता है। डॉक्टर उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह नहीं रुकता। लेकिन उसके जाने के बाद डॉक्टर को पता चलता है कि जिस डॉग के ऊपर विवियन काम कर रहा था वह उसके अंदर बीमारी को ईजाद करने में कामयाब हो गया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन अब इससे बड़ी चुनौती इनके सामने है। इन्हें डॉग के हार्ट को ट्रांसप्लांट करना होगा और जब इन्हें इस काम में भी कामयाबी मिल जाएगी तो यह उन सभी बच्चों के हार्ट को ट्रांसप्लांट करेंगे जिन्हें यह बीमारी है। लेकिन अब डॉक्टर को इस काम के लिए विवियन की सख्त जरूरत है। ये दोनों पिछले 12 सालों से एक दूसरे के साथ हैं और डॉक्टर को पता है कि वह बहुत काबिल और मेहनती इंसान है। इसलिए डॉक्टर हॉस्पिटल के हेड के पास जाता है और उससे कहता है कि विवियन की सैलरी को बढ़ा दिया जाए, जितना वो डिजर्व करता है उसे उतने पैसे देने चाहिए, साथ ही उसे क्लास सी से हटाकर क्लास ए में रख लिया जाए। हॉस्पिटल का हेड मान जाता है, जिसके बाद विवियन भी काम पर लौट आता है और अब इन्हें हार्ट को ट्रांसप्लांट करना होगा। यह इतना आसान नहीं है। विवियन इसका भी एक इलाज निकालता है जिसमें इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करने के लिए आधा घंटा मिल सकता है और इसे कहा जाता है बाईपास सर्जरी। अब डॉक्टर और विवियन दोनों मिलकर एक डॉग का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं। यह पहली बार है जब किसी जीव के दिल को बदला जा रहा है और इस काम में इन्हें कामयाबी मिल जाती है। इसके बाद ये एक दूसरे डॉग का हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं और उसमें भी ये कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अब ब्लू बेबीज के हार्ट को ये ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और ऐसा मानव इतिहास में पहली बार होगा। जिसके बाद ये उस बच्चे के पेरेंट्स से मिलते हैं जिनके बच्चे को ब्लू बेबीज है। डॉक्टर उनके पेरेंट्स को समझाता है कि हमें हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी मिल चुकी है और अब हम तुम्हारे बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं, पर ये बहुत ही खतरनाक है, इसमें बच्चे की जान भी जा सकती है। पर वह लोग मान जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से उनका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। यहाँ पर अगले दिन डॉक्टर को और विवियन को पता चलता है कि जिस डॉग का इन्होंने ट्रांसप्लांट किया था उसके अंदर से जो स्टिचेस थे वो खुल चुके हैं, जिस वजह से उसकी मौत हो गई है। इस बात से विवियन और डॉक्टर को बहुत दुख होता है। अब ये उस डॉग को देखते हैं और उसे चेक करते हैं। इन्हें पता चलता है कि जो स्टिचेस इन्होंने लगाए थे वो मसल्स के साथ फैले नहीं, जिस वजह से वो टूट गए और डॉग की मृत्यु हो गई। और अब इन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट को कामयाब करने के लिए अंदर से इस तरह के स्टिचेस लगाने होंगे जो मसल के साथ फैले और कम हो जाएं, साथ ही अपने आप ही टूट जाएं, जिसके लिए ये एक खास किस्म के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। विवियन ने इस ऑपरेशन के लिए बहुत सारे टूल्स भी बनाए होते हैं जो ऑपरेशन में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और अब जल्दी से ये उस तरह के धागे को बना लेते हैं जिससे ये अंदर स्टिचेस लगा सकें। और अब वो दिन भी आ जाता है जब ये उस बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट करेंगे। ऑपरेशन थिएटर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं लेकिन विवियन नहीं होता क्योंकि उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री नहीं है। पर जब डॉक्टर को यह बात पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वे विवियन को अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि वह ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं करेगा, बस वह मेरे पीछे खड़ा रहेगा। और अब बच्चे का हार्ट ट्रांसप्लांट होना शुरू होता है पर जल्द ही उसका ऑक्सीजन लेवल नीचे जाना शुरू हो जाता है, जिससे सब डॉक्टर्स डर जाते हैं क्योंकि अगर उसकी ऑक्सीजन को नीचे जाने से नहीं रोका गया तो उस बच्चे की मौत हो जाएगी। और डॉक्टर्स अपनी सर्जरी को नहीं रोकते क्योंकि उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। वह हार्ट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं जिसके बाद बच्चे की ऑक्सीजन वापस आना शुरू हो जाती है। उसका फेस जो पूरी तरह से ब्लू हो गया था अब वापस से पिंक होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया। और यह दुनिया का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट था जब डॉक्टर्स ने किसी इंसान के हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। डॉक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब पूरी दुनिया को यह पता चल जाता है कि ब्लू बेबीज सिंड्रोम का इलाज डॉक्टर्स ने ढूंढ निकाला है, जिसके बाद सभी अपने बच्चों को जिनको ब्लू सिंड्रोम बीमारी है उन्हें हॉस्पिटल लेकर आते हैं। डॉक्टर उनके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स और उनकी टीम को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स दिए जाते हैं। हर जगह उनकी फोटोज होती है लेकिन एक भी ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर विवियन की फोटो हो, जबकि इस इलाज को ढूंढने में उसका सबसे बड़ा हाथ था। डॉक्टर और उसकी टीम को अलग अलग जगह बुलाकर सम्मान दिया जाता है। एक दिन विवियन भी उस जगह चला जाता है जहाँ पर डॉक्टर्स को सम्मान दिया जा रहा होता है। और जब डॉक्टर सबके नाम लेते हैं तो वह विवियन का नाम नहीं लेते, जिससे विवियन पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसे डॉक्टर पर बहुत भरोसा था। वह समझ जाता है कि उसका इस्तेमाल किया गया है। अगले दिन वह हॉस्पिटल जाता है और वो अपने जॉब से रिजाइन कर देता है और डॉक्टर से कहता है कि अब मैं वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगा। उस दिनों के बाद विवियन मॉर्गन कॉलेज में जाता है और कहता है कि मैं डॉक्टरी का फाइनल एग्जाम देना चाहता हूं, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है। लेकिन उसे बताया जाता है कि ऐसा नहीं
हो सकता, तुम्हें सब कुछ फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू करना होगा। लेकिन विवियन सब कुछ पहले ही पढ़ चुका है, उसे सिर्फ एक डिग्री की जरूरत है ताकि वह एक लीगल डॉक्टर बन सके। विवियन अपने घर वापस आ जाता है और अपना घर चलाने के लिए छोटी मोटी जॉब कर लेता है, लेकिन उसका इसमें दिल नहीं लगता। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए और अपनी पत्नी के समझाने के बाद वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसे काम पर रख लेता है, जिसके बाद विवियन बहुत सारे हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। वक्त बीतता चला जाता है और अब लोगों की सोच बदल चुकी है। काले गोरों के बीच में जो भेदभाव था, अब वो लीगल तरीके से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। विवियन को लैब का डायरेक्टर बना दिया जाता है और एक दिन वह डॉक्टर के साथ हॉल ऑफ फेम में जाता है, जहाँ पर उन्हीं लोगों की फोटोज लगती है जो बहुत बड़े अचीवर्स हैं। और यहाँ पर आज डॉक्टर की फोटो लगी है। हालांकि यहाँ पर विवियन की फोटो होनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर के साथ उसने हर एक कदम पर उनका साथ दिया था। उसका हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी में सबसे बड़ा हाथ था। लेकिन सिर्फ यहाँ पर डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लॉक की फोटो होती है, जबकि उनका साथ हमेशा विवियन ने दिया था। विवियन की फोटो यहाँ पर इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास ना तो मेडिकल डिग्री थी और ना ही कभी उसे किसी काम के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। और साथ ही उसका एक और कसूर है कि वह एक ब्लैक अमेरिकन है। दरअसल लीगली काले गोरों का भेदभाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन लोगों के दिलों में जो भेदभाव है वो अब भी ज्यों का त्यों है। धीरे धीरे वक्त आगे बीतता है और एक दिन डॉक्टर की मौत हो जाती है, पर विवियन अब भी हॉस्पिटल में काम करता है। वह हार्ट ट्रांसप्लांट करता है, साथ ही अब वो एक ट्रेनर भी है। वह दूसरे डॉक्टर्स को सिखाता है कि किस तरह से हार्ट ट्रांसप्लांट किया जाता है। और 40 सालों के बाद पहली बार विवियन को स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहां पर वह अपने काम के बारे में, अपने अर्ली लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह से उसने और डॉक्टर ने मिलकर हार्ट ट्रांसप्लांट पर काम किया था। अपनी जिंदगी के उन पलों को याद करते करते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वह भी बहुत बूढ़ा हो चुका है। और कुछ ही दिनों बाद विवियन की फोटो भी उस हॉल ऑफ फेम में लग जाती है, जहां पर डॉक्टर की फोटो है। यहां पर मेडिकल फील्ड के उन्हीं लोगों की फोटोज लगती है जिन्होंने अपने काम से मेडिकल की दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लॉक की मदद से और अपनी लगन से विवियन ने वो करके दिखाया जो पूरी दुनिया में नामुमकिन था। जिस हॉल ऑफ फेम में वो कभी सफाई का काम किया करता था, आज उसकी फोटो भी वहीं पर है। इस कहानी के अंत में हमें डॉक्टर अल्फ्रेड ब्लॉक की और विवियन की असली फोटो दिखाई जाती है, जिसका पूरा नाम विवियन थॉमस है। अगर इंसान के अंदर लगन हो, अपने काम के लिए जुनून हो, तो चाहे दुनिया उसे कितना ही पीछे क्यों ना धकेले, वह आगे बढ़ ही जाता है। जिस तरह से सूरज की रोशनी हर एक अंधकार को खत्म कर देती है, उसी तरह से इंसान की मेहनत और लगन हर एक नाकामयाब को बदलकर कामयाबी में बदल देती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।